साइबर सिटी गुरुग्राम के नगर निगम में टी मेयर का चुनाव स्वतंत्रता सेनानी हाल में हुआ। इस चुनाव में वार्ड नंबर 7 की पार्षद मधु आजाद को सर्वसम्मति से मेयर पद के लिए चुना गया, तो वहीं सीनियर डिप्टी मेयर के लिए दो प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 से प्रोमिला सिंह कबलाना और वार्ड नंबर 13 से भ्रम यादव के बीच चुनाव हुआ। बैलेट पेपर से हुए इस चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रोमिला कबलाना 13 मतों से विजयी हुई। इसके साथ डिप्टी मेयर की बारी आई। डिप्टी मेयर के लिए बैठक में एक ही नाम वार्ड नंबर 33 की पार्षद सुनीता यादव का आया, जिस पर सदन के सभी सदस्यों ने सुनीता यादव का समर्थन किया। टीम मेयर के गठन में महिलाओं की भूमिका बेहद खास रही और यही कारण है कि टीम मेयर की तीनों सदस्य महिला चुनी गई। निर्विरोध मेयर पद पर आसीन मधु आजाद ने जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व को दिया। भ्रष्टाचार का गढ़ बना नगर निगम में करप्शन पर अंकुश लगाना, प्रधानमंत्री के सफाई अभियान को सफल बनाना और काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने वाले लोगों को राहत देना पहली प्राथमिकता बताते हुए मधु आजाद ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सबकी पार्टी और मैं अपने अपने चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और हमारे केंद्रीय मंत्री दक्षिणी हरियाणा की आन बान शान राव इंद्रजीत जी का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। अपनी नगर निगम वार्ड में कुल 35 वार्ड है, जिसमें 24 सितंबर को चुनाव हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी अपने सिंबल पर 14 सीटें जीती थी, तो वहीं 20 निर्दलीय और एक एनएलओ का उम्मीदवार चुनाव जीता था। चुनाव के बाद से टीम मेयर के गठन को लेकर राव इंद्रजीत और राव नरबीन में खींचतान शुरू हो गई थी। अहिरवाल के दोनों बड़े नेता अपनी टीम को मेयर बनाने के लिए प्रेरित थे और यही कारण था कि राव इंद्रजीत और राव नरबीन निर्दलीय को अपने खेमे में लेकर राजनीतिक दबदबा कायम रखना चाहते थे। हालांकि इस चुनाव में राव इंद्रजीत ने बाजी मारी और अपनी टीम को मेयर टीम बनाकर अहिरवाल में चल रही वर्चस्व की लड़ाई जीत ली।